गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करेंगे. हम लोग 8 क्वेश्चन पे थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है. एन आयरन रॉड 12 होल नंबर 1/4 मीटर लॉन्ग, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ 8 सच रॉड्स ऑल टुगेदर. यानी एक रॉड की लंबाई आपको दे रखी है इतनी और आपको 8 रॉड्स की लंबाई को पता करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. लिखेंगे लेंथ ऑफ वन आयरन रॉड 12 होल नंबर 1/4 मीटर. इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे. 12/4 को मल्टीप्लाई करेंगे. 12/4 = 48 प्लस 1 यानी 49/4 मीटर. तो एक रॉड की लंबाई दी है आपको 49/4 मीटर. तो 8 की कितनी होगी, 8 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो लेंथ ऑफ 8 आयरन रॉड इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 49/4. 4 1 = 4, 4 2 = 8. अब 49 2 करेंगे तो बेटा आ जाएगा 98 मीटर. तो 8 रॉड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 98 मीटर. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 वाला. समीर कैन वॉक इतने किलोमीटर एन आर, यानी एक घंटे में समीर इतने किलोमीटर चलता है. How much distance will it cover in 3 whole number 1/3 hours? तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. देखिए सॉल्यूशन क्या है. इन 1 आवर समीर कैन वॉक 5 होल नंबर 2/3 यानी 5 2 = 10 प्लस 2 यानी 27/5 किलोमीटर. यानी एक घंटे में समीर ट्रेवल करता है 27/5 किलोमीटर. तो 3 1/3 आवर्स मीनिंग इज 3 3 = 9 प्लस 1 यानी 10/3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 27/5. 3 1 = 3, 3 9 = 27, 5 1 = 5 और 5 2 = 10, 9 2 = 18. तो कितने किलोमीटर जाएगा, 18 किलोमीटर. ठीक है, बात क्लियर हो गई. फिर से देख लीजिए. समीर एक घंटे में जाता है, देखिए समीर एक घंटे में समीर मूव करता है इतने किलोमीटर. सो इतने आवर्स में कितना चलेगा, दिस इनटू दिस. ठीक है, कितना हो गया, 18 किलोमीटर. नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11. फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस इज टिकट कॉस्ट रुपीज दिस, इफ 206 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड. यानी एक टिकट की कॉस्ट इतनी है तो बताना है 206 टिकट की कॉस्ट कितनी होगी. तो देखिए कॉस्ट ऑफ वन टिकट रुपीज दिस, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे. 26 2 करेंगे 52 प्लस 1 यानी 53/2. तो एक टिकट की कॉस्ट है रुपीज 53/2. तो 206 की कॉस्ट कितनी होगी, ज्यादा टिकट की कॉस्ट है तो ज्यादा होगी. तो क्या करेंगे, वन टिकट की कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से इसको कट करा, 2 1 = 2, 0, 2 3 = 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आएगा. मल्टीप्लीकेशन ये आपको दिखा दी है. ठीक है, अब 12 क्वेश्चन देखिए. आ वॉटर टैंक कैन होल्ड इतने लीटर ऑफ वॉटर, एक टैंक में इतने लीटर वॉटर आता है. हाउ मच वॉटर इज कंटेन इन टैंक व्हेन इट इज 2/5 इज फुल. पूरे टैंक का 2/5 पार्ट भरा हुआ है तो आपको पता करना है टैंक में कितना वॉटर कंटेन हो रहा है. ठीक है, देखिए आ वॉटर टैंक होल्ड वॉटर इज इक्वल टू इतने लीटर, 56 4 करेंगे 224 आएगा प्लस 1 यानी 225/4 लीटर वॉटर आता है. फिर से देखिए एक टैंक में इतने लीटर वॉटर आता है. अब जब वो 2/5 फुल है तो कितना पानी आएगा, तो क्या करेंगे 2/5 ऑफ कैपेसिटी ऑफ द टैंक से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 2 = 4, 4 आ गया, 5 से इसको कट करा, 5 4 = 20, 2 5 5 = 25 यानी 25/2 लीटर. इसे मिक्स में चेंज करा,
2 to the 4, which is 5, 2 to the 4. To 22 whole number, 1 by 2 liter petrol, liter water contain karega tank. Theek? Next question dekhiye. Isko ek baar fir se dekh lijiye. Ek water tank mein itne liter water aata hai. ठीक है, तो अगर टैंक 2/5 फुल है तो कितना पानी आएगा, 2/5 इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. ठीक, आप देखो बेटा 13 क्वेश्चन क्या है. 13 क्वेश्चन है, कार्नव एंड सुमित वेंट फॉर अ पिकनिक. दोनों लोग पिकनिक पे जाते हैं. देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर. उनकी मदर उन्हें एक पानी की बॉटल देती है जिसमें 5 लीटर पानी आता है. ठीक है, हाउ मच वॉटर डिड कानव ड्रिंक. कानव ने कितना पानी पिया. फिर से देखिए, कानव एंड सुमित वेंट फॉर अ पिकनिक. देयर मदर गेव देम अ वॉटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वॉटर. कानव कंज्यूम 2/5 ऑफ द वॉटर. यानी जितना पानी है उसका 2/5 वॉटर किसने पी लिया, कानव ने पी लिया. तो बताइए बचा हुआ सुमित ने पिया. तो बताइए कि कानव ने कितना पिया और कितना फ्रैक्शन बचा है सुमित के लिए पीने के लिए. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. देखो, मदर गेव वाटर बॉटल, कानव एंड सुमित कंटेन वाटर इज इक्वल टू 5 लीटर. यानी जो टोटल वाटर था वो 5 लीटर था. ठीक है, नाउ कानव कंज्यूम वाटर 2/5 ऑफ द वॉटर. यानी 2/5 ऑफ होल वॉटर. यानी 5 लीटर का 2/5 उसने पी लिया. कितना बचा, 2 लीटर. यानी जो कानव है उसने कितने लीटर पानी पिया, 2 लीटर. ठीक है, सुमित ड्रिंक्स रिमेन्स वॉटर. तो सुमित के लिए कितना पानी बचा, 5 लीटर था, 2 लीटर कानव ने पी लिया. 5 - 2 यानी 3 लीटर पानी बचा जो कि किसने पिया, सुमित ने पिया. तो कितना फ्रैक्शन हुआ, 3 आउट ऑफ होल यानी 3/5. ठीक है, तो फ्रैक्शंस ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर सुमित ड्रंक इज 3/5. अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. सचिन प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो. सचिन एक रो में 4 प्लांट्स को लगा रहा है. इन हिज गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 meter. ठीक है, दो दो के बीच में इतने मीटर का गैप है. Find the distance between the first and last. First and last वाले के बीच का distance पता करना है. देखिए, एक रो में ये 4 प्लांट्स लगाए जा रहे हैं. ठीक है, एक रो में 4 प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4 meter. ये भी 3/4 meter और ये भी 3/4 meter. ठीक है, तो देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है. तो ये कितने हुए, 3 पार्ट है ना, और एक पार्ट का डिस्टेंस कितना है, 3/4 meter. ठीक है, तो क्या करेंगे, 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए, सचिन प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो. डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट इज 3/4 meter. डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट कितने पार्ट है, 3 पार्ट है और एक का कितना मेजर है, 3/4 meter. तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 यानी 3×9/4. ठीक है, फिर से देख लीजिए. देखिए, 1, 2, 3 कितने प्लांट्स लगाए हैं, 4. लास्ट और इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है. तो ये 1, 2, 3 पार्ट हुए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पार्ट का जो डिस्टेंस है वो है 3/4. ठीक, तो इसलिए आंसर हो गया 3×3/4. इसे मिक्स में लिखेंगे, 4×2=8 बचा 1, तो हो गया 2 होल नंबर 1/4. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. 15 है, आयुषी रीड्स बुक फॉर इतने आवर्स एवरी डे. आयुषी रोज बुक पढ़ती है इतने आवर्स. ठीक है, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज. पूरी बुक को 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है. हाउ मेनी आवर्स ऑल विल बी रिक्वायर्ड हर टू रीड द बुक. उसे टोटल कितने दिन चाहिए, सॉरी उसे टोटल कितने घंटे चाहिए बुक्स को पढ़ने के लिए. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल देयर All were required by her to read the book. फिर से देखो, एक दिन में इतने घंटे बुक पढ़ती है, पूरी बुक को 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है, तो टोटल कितने घंटे उसने बुक को रीड किया. ठीक, देखिए, इन वन डे आयुषी रीड्स
थ्री वन होल नंबर 3/4, इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 4 × 4 + 3 यानी 7/4 आवर्स। एक दिन में आयुषी कितने घंटे पढ़ती है, 7/4 आवर्स, तो 6 डेज में कितने आवर्स पढ़ेगी, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 यानी 3 × 7 = 21/2 आवर्स, इसे मिक्स में लिख लेंगे, 2 × 1 = 2 = 1, 0 बार जाएगा नहीं जा रहा उतारने पे, तो 10 होल नंबर 1/2 आवर्स। बेटे आपकी अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है।